मध्य प्रदेश में 2023 विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। 39 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई है। सोनकच्छ से बीजेपी ने सांवेर के पूर्व विधायक राजेश सोनकर को टिकट दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए राजेश सोनकर अभी से अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। मैं बहुत सौभाग्यशाली कार्यकर्ता मानता हूँ अपने आप को। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पे एक बार फिर विश्वास व्यक्त करा है और जो भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास व्यक्त करा है हम सोनकच्छ की जनता का आशीर्वाद लेकर उसको विजय में बदलेंगे। सोनकच्छ में अभी मौजूदा कांग्रेस के कद्दावर नेता सोनकच्छ की जनता जितना प्रताड़ित उनसे है मैं समझता हूँ कि सोनकच्छ की जनता इस चुनाव में उस दिन का इंतजार करे किस दिन उसको पोलिंग पर जाकर भारतीय जनता पार्टी का कमल कर उसका बटन दबाने का अवसर मिले और निश्चित ही विकास का के लिए जो अवरोध वहाँ पे कांग्रेस के विधायक जी बने हुए हैं तो उससे छुटकारा भी और जिस प्रकार के का माहौल सोनकच्छ विधानसभा में कांग्रेस विधायक जी के कारण बना है तो इस सब चीज से छुटकारा पाना निजात पाना वहाँ की जनता एक % भी चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का हमारा हमारा कार्यकर्ता हर बूथ पर तैनात है। हमारी विकास यात्रा पूरे मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र में पहुंची है और जन कल्याणकारी योजना का लाभ हर बूथ तक पहुँचा है हर जिले तक है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो हमारा सदैव क्षेत्र में जनता के बीच में बने रहने वाला कार्यकर्ता है। इसलिए मैं समझता हूँ हमारे सामने कोई चुनौती नहीं, हम बड़े बहुमत के साथ इस लिस्ट में कई उन नामों को काट दिया गया है जो कि भावी प्रत्याशी माने जा रहे थे। प्रदेश में कांग्रेस से पहले भाजपा ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।